हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जा रहा हूँ ढिलौन में। आज का जो व्लॉग होने वाला है, ये व्लॉग होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। मैं दिखाऊंगा आपको ढिलौन। पिछले व्लॉग में मैं उतने अच्छे से ढिलौन का शूट नहीं कर पाया था, सो आज पूरी तरह से आपको जो पूरी डिटेल में दी जाएगी ढिलौन की जानकारी। सो आइए फिर। ढिलौन एक जगह का नाम है जो कोटखाई तहसील की क्यारी पंचायत में पड़ती है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इस जगह की प्राचीन मान्यताओं के बारे में। इस जगह की प्राचीन मान्यता है कि एक बार जब देवता जी महाराज नदौन से पहली बार कोटखाई आए, तो स्थान के हरे भरे पेड़ों को देखकर उन्होंने कुछ समय यहाँ आराम करने की सोची और उन्हें प्यास भी लगी थी, तो उन्होंने अपना बर्छा निकाला और स्थान पर गाड़ दिया। तो यहाँ पर जमीन से पानी निकलने लगा और यहाँ पर एक सुंदर सा तालाब बन गया। एक और दंत कथा के अनुसार, एक बार जेसीबी से इस झील की खुदाई करने का प्रयास किया गया। कहा जाता है कि पूरी की पूरी जेसीबी दोस्तों इस झील में समा गई और जब पूजा अर्चना की गई तो वो जेसीबी पुनः इस झील से वापस बाहर निकल आई। गाइस, जो आप मेरे पीछे झील देख रहे हैं, ये है वो झील। बाकी पौराणिक मान्यता है तो मैंने आप लोगों को इस झील के बारे में बता ही दी है कि इस झील की क्या पौराणिक मान्यता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो आज की पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का तह दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने मेरी पिछली चाल काली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का तह दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपको बताना चाहूँगा, लाइक जब भी आप कभी ऐसी सुंदर जगह पर आए तो प्लीज़ अपने साथ जो रैपर्स वगैरह आप लोग लाते हैं, वो रैपर्स भी आप साथ ही साथ अपने साथ ले जाएं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुरकुरे के रैपर्स पड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं इस सुंदर सी जगह की सुंदरता को थोड़ा सा जो है वो कम कर रहे हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जब हम यहाँ पर ये पैकेट्स ला सकते हैं तो यहाँ से खाली रैपर्स भी वापस ले जा सकते हैं, ताकि इस जगह की सुंदरता बरकरार रहे। सो अगर आपको ये आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आता है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।